Hey guys, Assalamualaikum, Sasrikaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है इसराइल नक्शे से गायब, चीनी कंपनियों ने इजरायली कंपनियों को छोड़ा। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं गाइस, कैसा इजराइल गायब होने वाला है नक्शे से, और रियली उसे हो भी जाना चाहिए, जो कि उसका जो आतंकवाद जो फैला रहा है उसके खिलाफ तो सब लोगों को सामने आना चाहिए और खड़े होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक के देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जो कोई न कर सका चाइना ने कर दिया। चाइना के अंदर आपको मालूम है कोई गूगल वूगल नहीं है, उसका अपना गूगल है, अपना सर्च इंजन है, अपना मैप है, अपनी सैटेलाइट है। जी हाँ, आपको बताऊं, चाइना ने ऑफिशियल तौर से अपने तमाम सर्च इंजन से, तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों, इसराइल को नक्शे से हटा दिया है। कल तक जिस मैप में, नक्शे में चीन के इजराइल लिखा हुआ था, आपको बता दूं कि आज उस मैप में से इजराइल के नाम को हटा दिया है, पूरी तरह से गायब। जी हाँ मेरे दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मचने वाली है। ये नहीं कह रहा हूँ मच गई, अब प्रजाग्राफी आपको बता रहा है ना, अब देखिएगा जाके, अब मचेगी सनसनी। चाइना पहले से ही इसराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, और चाइना पहले से ही इसराइल को आड़ी निगाहों से देखता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा चाइना की कई सारी कंपनियों ने इसराइल वर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। चाइना के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इसराइल की कंपनियों से काम बंद कर रही हैं, डीलरशिप, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी काम वाम है वो बंद कर रही हैं, क्योंकि दिक्कत ये भी हो रही है कि मैप में से इसराइल का नक्शा गायब हो जाने से अब वो वेबसाइट के अंदर लिंक में या कहीं डेटा में इसराइल का नाम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने पूरी तरह से इसराइल के नाम का ही बायकॉट कर दिया है मेरे दोस्तों। बस चाइना की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इसराइल का नाम नक्शे से मिटाया है तो उस जगह फिलिस्तीन लिख दें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमास को कहा है कि या तो तुम सरेंडर कर दो या तो मारे जाओ। इसराइल की वो कंदी कौम है, वो घटिया नस्ल के लोग हैं कि इनसे अगर कोई गिरा होगा तो शायद अंधभक्त ही गिरे होंगे, वरना इससे ज़्यादा कोई गिरा नहीं हो सकता। गाजा में हजारों बच्चे मारे गए, गजा के अंदर भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां पूरी नहीं हो पा रही है, बिजली काट कर रख रहा है, नेटवर्क बंद किए हुए हैं। अब आपको बता दूं, ऐसे में बॉर्डर पर इजरायली कितनी गिरी भी हरकत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसके पास खाना नहीं गाजा गाजा गाजा, किसके पास पानी नहीं गाजा गाजा गाजा। देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए ये है असली प्लान इसराइल का, जो आपसे और दुनिया से छुपाया गया। पहले टैंक से बमबारी कर कर के ढकेल कर जनता को मिस्र की तरफ भेज दिया जाएगा। जब मिस्र की तरफ लोग चले जाएंगे धक्का दे दे के, तो ऊपर की तरफ जो फिलिस्तीन का इलाका है, फिलिस्तीन के इलाके में भी एक साइड से हमला करके सारी आवाम को बॉर्डर पर घसीट दिया जाएगा, और बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन की तरफ उनको भेज दिया जाएगा। इस तरह से पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेतन्याहू ने कहा है कि बाइबल में भी लिखा है कि एक वक्त होता है शांति का और एक वक्त होता है जंग का, फिलहाल अभी शांति का वक्त नहीं है। कमाल की बात यह है कि काफिर शोर मचाकर अपनी किताब को अपने हिसाब से आपके सामने रख रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन किताब अगर कुरान जिस मुसलमान के पास है, वो मुसलमान अपने मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप बैठा है मेरे दोस्तों। गाजा ने आधिकारिक तौर पर बताया है, कॉपी पेन ले लीजिए या फिर इसको कहीं भी बोलने के लिए याद रखिएगा, 18,000 टन बम, अल्लाह अकबर, 18,000 टन
बम इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मार चुका है और हर एक किलोमीटर पर 50-50 टन के बम गिरा चुका है। अल्लाह हिस्बे अल्लाह नेमल वकील। इसके अलावा गाजा की अथॉरिटी ने बताया है, खुदा की कसम दिल थाम लीजिए, गाजा बताता है कि हर 5 मिनट में इजराइल एक गाजा के बच्चे को कत्ल कर रहा है। इसके अलावा 64 यूएन के वर्कर्स को मार चुका है इजराइल और अभी मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। गाजा की सरकार कह रही है 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिनमें अभी कई हजार लोगों का पता ही नहीं है। रशिया के जो यूएन के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने यूएन के अंदर कहा है कि आतंकवाद के बहाने इजराइल जो नरसंहार कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फिलिस्तीनियों के इलाकों में यहूदियों के झुंड ने घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसी चीज के लिए अमेरिका मना कर रहा था, कनाडा मना कर रहा था, जर्मनी मना कर रहा था, फ्रांस मना कर रहा था, यूएन मना कर रहा था, लेकिन आज तक इसराइल ने कभी किसी की नहीं सुनी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे पहले तमाम जो अपडेट्स हैं ज़रूर जाकर देखिए। अगर आप ये पहली रिपोर्ट देख रहे हैं तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा और पहले का भी नहीं। दूसरे YouTube चैनलों से भी बचकर रहें, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, नाम नहीं लूंगा, माइक लगाकर बैठ जा रहे हैं और हर 10 मिनट पर 5-5 मिनट का अपडेट दे रहे हैं जिसमें थंबनेल पर बड़ी बात लिख रहे हैं और अंदर से बकैतियां मार रहे हैं, उसमें भी इधर उधर की खबर मिलाकर फेक न्यूज़ बता रहे हैं। सावधान रहिए भैया, सतर्क रहिए, वो अपना डॉलर बना रहे हैं। रजा यहाँ डॉलर नहीं, ईमान बना रहा है, क्योंकि कब्र में मुझे जाना है और मैं कब्र कभी भूलता नहीं। मेरी बात अच्छी लगे तो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। रजा भाई का मैं अभी तक के जितने भी वीडियो, भले रिएक्शन नहीं लेके आता हूँ, जो 20 मिनट और 25 मिनट के वीडियो होते, लेकिन मैं उनके भी वीडियो देखता हूँ, इनके वीडियो देखता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत अपडेट सही दे रहे हैं और जो हक बात है उन्हीं बातों को ये फैला रहे हैं। कोई अपने से मिर्च मसाला लगा के ये सब चीजों को नहीं बता रहे। रही बात चाइना की, तो चाइना ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 57 अरब कंट्री है जहां पर इस्लाम का रूल रेगुलेशन चलता है, सरिया कानून चलता है, ठीक है, वहां पे लेकिन कुछ देश ही है, ठीक है, वो भी कुछ में से गिने चुने ही देश है जो सिर्फ और सिर्फ वहां के फिलिस्तीन लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, वहां की चीजों का बॉयकट कर रहे हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अरब कंट्री हैं बड़े बड़े, ठीक है, जहां पे जो बायकॉट करना चाहिए वो सही ढंग से बायकॉट नहीं कर रहे हैं, जैसा KFC हो गया, मैकडोनल्ड जितनी भी चीज है, ठीक है, और पेप्सी हो गया, तो ये सब चीजों को वो बायकॉट नहीं कर रहे, बल्कि वहां के लोग जो है मुस्लिम लोग उसे खा रहे, परचेज कर रहे, ले रहे, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता है वही मुसलमान जो जिनको बायकॉट करने बोल रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वही मुसलमान को कब्र में भी जाना है, ठीक है, वहां पर भी हिसाब देना है। जब तुम्हारे मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा हो रहा था या किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा था, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तब तुम क्या कर रहे थे उस समय। और एक चीज और कि ये जो जितने भी मैंने और भी वीडियोस देखी हूँ कि इजराइल के जितने भी नॉर्मल लोग हैं, वहाँ की पब्लिक है, वो लोग वीडियोस बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं और टेररिस्ट बोलते हैं, जबकि ये ही लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट इजरायली है सच में। और जब इनको जब जरूरत थी तो वही मुसलमान इनको मदद की है, ठीक है, जो वही कुरान शरीफ को मानने वाले, वही अल्लाह को मानने वाले बंदे इनकी मदद किए, लेकिन आज उन्हीं को ये धोखा दे रहे हैं। और इस पे जितने भी अरब कंट्री के लोग हैं वो सब शांत है, तो यार उन्हें तो यार शर्म आना चाहिए कि यार वो जब कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो कुछ तो करे, कुछ कैसे भी तो सपोर्ट करे उन्हें। सो गाइस, ये था वीडियो, आपका क्या सोचना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।